या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। मणिपूर सरकार वीज दर वाढ करणारा महाराष्ट्र सरकार जा, वीज दर वाढ करणारा महाराष्ट्र सरकार जा, सामान्य नागरिकांच्या जीवनात अंधकार करणारा महाराष्ट्र सरकार जा, सामान्य नागरिकांच्या जीवनात अंधकार करणारा महाराष्ट्र सरकार जा, डोळे ठेवणाऱ्या लोकांचा डोळे ठेवणाऱ्या लोकांचा। हमारे देश की बेटियों को, माँ बहनों को जो अत्याचार उनके साथ किया जा रहा है, जैसे कि अभी हमारे दूसरे स्पीकर ने बताया कि किस तरीके से, किस बेरहमी से उन लोगों के साथ ज्यादती हुई, तो बस हम लोग यही मांग करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि ये जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी इसके पीछे लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा मिले। साथ ही साथ मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम उनके भी रेजिग्नेशन की मांग करते हैं। और यहाँ पर सब ने एक ही मांग की है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो अपना मुंह खोले। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ना हमारे पास कोई अहदा है, ना कोई सत्ता है, ना कुछ है, फिर भी हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हमारे देश की माँ बहनों की इज्जत की बलि चढ़ाकर अगर ये सत्ता, ये पावर हमको मिलता है, तो हम लोगों को ऐसा पावर नहीं चाहिए, वो कभी नसीब ना हो। पावर अगर आपको मिलता है तो उस पावर का इस्तेमाल करके लोगों की खुशहाली कैसे मिले, लोगों की जिंदगी आसानी से कैसे बसर हो, हमको ये काम करना चाहिए। जैसे कि हमारे इरफान भाई ने बताया कि आज इंसान की कीमत जानवर से भी कम हो गई है। एक जानवर मरता है, हम लोग ये बढ़ावा नहीं दे रहे कि किसी का कोई जानवर का कत्ल होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अफवाह के चलते किसी जानवर की मारे जाने की या उसके काटे जाने की खबर आती है, तो जैसे कि मीडिया हो, ये जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर्स हो, टीवी पे आकर ऐसी ऐसी अनशन बातें करते हैं और उसी के चलते मॉब लिंचिंग होती है, तो ये सब स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंसान इंसान की जगह है, जानवर जानवर की जगह है। हम भी उस चीज़ का आदर करते हैं जो लोगों की भावना है, हम भी उस चीज़ का आदर करते हैं, लेकिन उन भावनाओं के चलते अफवाह पे ध्यान देकर आप किसी इंसान के साथ गलत नहीं कर सकते, मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते। अभी हाल ही के दिनों में हमारे अहिरवाड़ी, जो हमारे सोलापुर जिले में यहाँ लग के सोलापुर को एक गांव है, वहाँ पर एक घटना हुई। वो घटना के लिए भी हमारी MIM टीम ने SP साहब को निवेदन दिए, लेकिन अब तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आज इस मंच से वो SP साहब को भी ये अपील करता हूँ कि अहिरवाड़ी में जो घटना हुई थी और जो भी इसके दोषी है, उन लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी नसीमा आपा ने बोले कि हमारी माँ बहनों को पिस्तौल रखने की इजाज़त देना चाहिए। मैं बोलूँगा नसीमा आपा, पिस्तौल की ज़रूरत नहीं है। भारत देश में अगर शरिया कानून लागू हो गया तो हर ये जो मर्द है जो बुरी नजर रखता है, वो हर मर्द अपनी सामने वाली औरतों को माँ बहन समझ के उसका वो करेगा। तो मेरी ये भी अपील है कि ऐसे लोगों को रास्ते पर लाने के लिए शरिया कानून लगाना चाहिए, ताकि ऐसी हरकतों से हम लोगों को बचा सके। इसके अलावा आज ये जो MSEB का जो बिजली की दर बढ़ाए लोगों ने, इन लोगों ने, तो उसके लिए भी हम लोग धरना किए हैं। जैसे कि शोएब ने बताया 6 रुपये से 9 रुपये हो गया, ऑलमोस्ट 50% बढ़ोतरी की है। तो हम लोग एक निवेदन MSEB में भी दे रहे हैं, ताकि उनकी भी आंख खुले और लोगों को कुछ फायदा हो। अभी हमारे किसी प्रवक्ता ने बताया कि बाजू के स्टेट में 200 यूनिट्स फ्री मिल रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस सरकार, उम्मीद करते हैं कि और भी इससे ज़्यादा इससे अच्छे काम करें और लोगों को इसका फायदा हो। जो अच्छा काम करेगा अच्छा ही बोलेगी MIM। MIM खाली कोसने वाली पार्टी नहीं है, जो अच्छा करता है
है उसको अच्छा बोलती है और जो बुरा करता है उसको सबक भी सिखाने वाली पार्टी है हमारे यहाँ। तो वैसे ही उन्हीं तर्जों पर सोलापुर शहर में ही नहीं महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, हमारे पास हर चीज की सहूलतें हैं। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी बिजली की दरों में कटौती हो, फ्री यूनिट्स कुछ मिले, उसके लिए भी हम लोग एमएससीबी को एक निवेदन दे रहे हैं। सेतु कार्यालय जो बंद है वो भी कलेक्टर साहब, अभी यहाँ के बाद हम लोग कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं वो सेतु कार्यालय चालू करें, उसकी भी हम लोग एक निवेदन दे रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी दाखिले जो लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन ओबीसी दाखिले के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बहुत ज़्यादा पेपर्स की मांग कर रहे हैं लोग, तो हम लोग उसमें भी बात करना चाहते हैं कि जो भी नॉमिनल पेपर्स लेकर ओबीसी दाखिले दिया जाए। और इसके अलावा अनेक मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, वो एक साथ कवर नहीं कर सकते। लव जिहाद है, लव जिहाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, फर्जी केसों में अंदर डाला जा रहा है। तो मैं हम लोग ये भी कमिश्नर साहब से मिलकर इसके बारे में भी बात करेंगे। जो जो अत्याचार सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान के साथ दलितों पर और जो मागासवर के लोग हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार कम कैसे हो, हम लोग उस पर कलेक्टर साहब हो, कमिश्नर साहब हो, एसपी साहब हो, हम लोग सब पूरे महकमे से बात करना चाह रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप हमारी ताकत बनकर एमआईएम पार्टी के साथ जुड़िए। मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी आपकी आवाज इतनी बेबाकी से बगैर डरे आपके बीच में रहकर ये प्रशासन से उठा सकती है। एमआईएम पार्टी की ये खूबी है, एमआईएम पार्टी को जो बोलना है वो बोलने दिया जाता है, हम लोगों को कोई पेपर नहीं दिया जाता कि आपको इन्हीं मुद्दों पर बात करना है। तो जो पब्लिक के हित की बात है हम लोग बेबाकी से करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, मेरी माँ बहनों से भी यही अपील है, मेरे भाइयों से भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़िए और हमारी ताकत बढ़ाइए, ताकि इस ताकत का इस्तेमाल हम लोग आपकी बेहतरी के लिए, आपके हक पाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। इन द एंड हम हमारे एमआईएम पार्टी की तरफ से मणिपुर की जो घटना हुई है उसका निषेध करते हैं, और आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए जमा हुए, और मेरे तमाम पदाधिकारी जो मेरे भाई हैं माशाल्लाह, और जितने लोग यहाँ पर आए मेरे दोस्त, मेरी माता बहनें, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी आपको आवाज़ दी जाएगी आप इसी जोश के साथ और इसी ताकत के साथ आप लोग हमारे साथ जमा होंगे। और मैं मेरे तमाम पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया और हमारी मदद की है कि हमने जो आवाज़ उठाई वो लोगों के घर घर तक पहुँचे। तो आप लोग का भी आभारी हूँ और आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग न्यूट्रल होके, हमेशा न्यूट्रल होके एमआईएम की न्यूज़ कवर करेंगे और इसको लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेज नॉन वेज जेवण मेन्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित, चवीला टेस्ट हॉटेल रोहित चे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी कार्यक्रम विविध पार्टी से ऑर्डर भी स्वीकारले जाती, ग्राहकांसाठी खास पार्सल ची सोय। आमचा पता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप सोलापूर।